की वीडियो है रमन सीरियल दाव के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अली के हाथ अलमास बेगम लग ही जाती है, घर का एड्रेस भी मालूम कर लेता है। उसके बाद अली पहुंच जाता है अलमास बेगम के घर। अलमास बेगम और सुंबल दोनों बैठी होती हैं, अली को देखकर खड़ी हो जाती हैं। अलमास बेगम सुंबल से कहती हैं कि तुम कमरे में चली जाओ, सुंबल वहां से चली जाती है। उसके बाद अली अलमास बेगम से कहता है, मेरी बहन की डेथ हो गई, साद ने जो कुछ उसके साथ किया, क्या आप उससे ला इल्म रही हैं? कुछ नहीं जानती। तो अरमास बेगम बहुत ही एक्टिंग करती हैं, क्या निशा की डेथ हो गई? तो अली रोते हुए कहता है, मेरी बहन मनो मिट्टी के तले है, साद और उसकी माँ तो यहाँ से भाग गए हैं, मेरे हाथ नहीं लगे, मगर अपनी बहन का बदला मैं आपसे भी जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। के बाद अरमास बेगम फिर से अली से मिलती हैं, निशा की ताजियत करती हैं। मुझे निशा के बारे में जरा भी नहीं पता था, मैं तुम्हारा दिल साफ करना चाहती हूँ, बदगुमानी दूर करना चाहती हूँ। तो अली कहता है, दिलों की बदगुमानियां वो जानने वाला तो वो खुदा ही है, वही जानता है कि दिलों में क्या है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि अंबर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, आई मिस यू सो मच। वहां से गुजर रही होती है नेहा, दरवाजे पे खड़ी होकर उनकी बातें सुन लेती है और सोच रही होती है, क्या अम्मी को बता दूं। दूसरी तरफ इफ्फत बेगम अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लम्हा लम्हा रो रही हैं। अली से कहती है कि मेरी साथ से बात करवाओ, पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल होगा। अली झूठ बोल देता है, निशा की डेथ के बाद साथ की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही है, इस वजह से उससे अभी बात नहीं हो पा रही, वो बहुत ही डिप्रेशन में है।